हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकेंड, इसकी हमारी यूनिट थर्ड चल रही थी। तो यूनिट थर्ड में हमने देखा था पिछले लेक्चर में एनाटॉमी ऑफ लंग्स। तो आगे जो टॉपिक दे रखा है हमें वो है लंग्स वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं लंग्स वॉल्यूम्स के बारे में। तो डिटेल स्टडी करेंगे, वीडियो में एंड तक बने रहना जिससे आज का टॉपिक भी आपको समझ में आ जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन के साथ साथ 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे मेन एग्जाम में। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। लंग्स वॉल्यूम्स, लंग्स वॉल्यूम का मतलब है कि हम जो एयर ऑक्सीजन हम इनटेक करते हैं, एक्सपायर्ड करते हैं, बाहर छोड़ते हैं, तो उसकी जो कंप्लीट वॉल्यूम है वो कितनी होगी डिफरेंट डिफरेंट स्टेज पे। तो उसके ही टाइप भी हम देखने वाले हैं। लंग्स वॉल्यूम आर आल्सो नोन एज रेस्पायरेटरी वॉल्यूम। क्या बोल सकते हैं इसको? रेस्पायरेटरी वॉल्यूम। इट रेफर टू द वॉल्यूम ऑफ गैस इन द लंग्स। किसको रेफर करता है? कि लंग्स के अंदर कितनी वॉल्यूम प्रेजेंट है, कितनी आ रही है, कितनी जा रही है, कितनी रिजर्व है, तो वो सब कुछ इसके अंदर होता है एट ए गिवन टाइम ड्यूरिंग द रेस्पायरेटरी साइकिल। जो कंप्लीट रेस्पायरेटरी साइकिल होता है उस दौरान लंग्स के अंदर कितनी एयर आ रही है, कितनी जा रही है, कितनी रिजर्व है, वो कंप्लीट क्या होता है? लंग्स वॉल्यूम या रेस्पायरेटरी वॉल्यूम। इसके अलावा लंग्स कैपेसिटी क्या होता है, दोनों का एक साथ देख लीजिए आप। लंग्स कैपेसिटी आर डिराइव्ड फ्रॉम ए समेशन ऑफ डिफरेंट लंग्स वॉल्यूम। मतलब कि सभी जो लंग्स वॉल्यूम है वो मिलके क्या बनाती हैं? लंग्स कैपेसिटीज। तो लंग्स वॉल्यूम आपको पता चल गया तो लंग्स कैपेसिटी इजीली आगे समझ में आ जाएगा आपको। द एवरेज टोटल लंग्स कैपेसिटी ऑफ एन एडल्ट एंड ह्यूमन एज अबाउट 6 लीटर ऑफ एयर। कितनी कैपेसिटी होती है एक एडल्ट वूमन की? 6 लीटर ऑफ एयर। मतलब कि एक रेस्पायरेटरी साइकिल में एक नॉर्मल एडल्ट 6 लीटर एयर का इंटेक, एक्सपायरेशन और रिजर्व करता है। तो ये होती है हमारी लंग्स कैपेसिटी, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं। बात कर लेते हैं टाइप ऑफ लंग्स वॉल्यूम। 5 टाइप्स की होगी बेसिकली। मेन 4 होती है। फर्स्ट है टाइडल, सेकंड है एक्सपायर्ड एयर, और थर्ड है इंस्पायर्ड एयर, और फोर्थ है रिजर्व वॉल्यूम, और फिफ्थ होगी हमारी क्लोजिंग वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम क्या होती है? टीवी इसकी शॉर्ट फॉर्म है। टाइडल वॉल्यूम वो होती है कि हम ईच नॉर्मल ब्रीथ, हम कोई मतलब ब्रीदिंग कर रहे हैं, हम इसमें कितनी एयर ली हमने और हमने छोड़ी है एयर, इसमें कितनी एयर बाहर निकली है, उसको हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। देखिए इसमें क्या है, द अमाउंट ऑफ गैस इंस्पायर्ड, इंस्पायर्ड का मतलब आपने अंदर की ओर ली है, और एक्सपायर्ड मतलब कि आपने बाहर की ओर छोड़ा है, विथ ईच नॉर्मल ब्रेथ मतलब एक बार जब सांस लेते हैं उसको नॉर्मल ब्रेथ हम बोलते हैं, कितनी एयर होती है, कितना अमाउंट होगा इसका? 500 ml। ये चीज आपको याद रखनी है, 500 ml होगी टाइडल वॉल्यूम। कोई भी अगर क्वेश्चन पूछे 2 मार्क्स में कि वैल्यू ऑफ द टाइडल वॉल्यूम, तो 500 ml आएगा। सेकंड है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेशन का सभी को पता है कि आप एयर को छोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन को बाहर की ओर छोड़ रहे हैं। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एडिशन एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड फ्रॉम द एंड ऑफ नॉर्मल एक्सपायरेशन। कि आप जब एक्सपायरेशन कर रहे हैं, एयर को छोड़ रहे हैं, तो जो नॉर्मल एयर आप छोड़ते हैं उसकी जो वॉल्यूम होगी वो होगी 1200 ml। ये है हमारी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कि कितनी एयर आप एक नॉर्मल ब्रीदिंग में आप छोड़ सकते हैं बाहर की ओर, वो होती है 1200 ml टू 1200 ml। तो दोनों हो गई टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम।
थर्ड है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की, कितनी एयर आप इंटेक करते हैं एक नॉर्मल ब्रीदिंग के अंदर। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एडिशनल एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड फ्रॉम एंड ऑफ ए नॉर्मल इंस्पायरेशन वो होती है हमारी 3000 ml। कितनी होती है? 3000 ml। लास्ट है रेजिड्यूअल वॉल्यूम, मतलब कि हम एयर ले रहे हैं, एयर छोड़ रहे हैं, उसके बाद भी हमारे लंग्स के अंदर कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन या गैस प्रेजेंट होता है, स्टोर रहता है, उसको हम बोलेंगे रेजिड्यूअल वॉल्यूम। द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर ए मैक्सिमल एक्सपायरेशन, दिस इज ओनली लंग्स वॉल्यूम, कैन नॉट बी मेजर्ड विथ ए स्पायरोमीटर। ये एक लंग्स की वॉल्यूम है, इसको हम स्पायरोमीटर की मदद से इसको अपन मेजर नहीं कर सकते हैं। लास्ट है हमारी क्लोजिंग वॉल्यूम, द वॉल्यूम टुवर्ड एंड ऑफ फोर्स्ड एक्सपायरेशन, मतलब कि आप कितना भी जोर लगा के एक्सपायरेशन कर लीजिए, एयर को बाहर निकाल दीजिए, लेकिन फिर भी जो गैस बचेगी हमारे लंग्स के अंदर, उसको हम बोलेंगे क्लोजिंग वॉल्यूम। तो आई होप ये जो 5 टाइप्स थे जो लंग्स हमारी वॉल्यूम्स है उसके, आपको समझ में आए होंगे। और ये जो कंप्लीट 5 टाइप्स है मिला के, इनको हम बोल सकते हैं लंग्स कैपेसिटी। उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा इंस्टाग्राम पेज फॉलो नहीं किया, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, तो कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी बोल दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।